हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। इसमें चल रहा हमारा चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हम अलग अलग टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया अब पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा ना आपको। नवम्बर दिसंबर में जो आपके MCQs बेस्ड पेपर है टर्म फर्स्ट का, बिजनेस स्टडी और भी सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर MCQs आएंगे ना, तो वो फिर कहीं से भी आ सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में समझा था कि सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे किसी भी बिजनेस को जो है प्रभावित कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना असर छोड़ सकते हैं। वैसे की वैसे अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दिन प्रतिदिन, यानी कि डेली डेली चेंज होते जा रहे हैं कुछ ना कुछ, कई सारे नए गैजेट्स, इनोवेशंस, आइडियाज, मेथड्स, फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं, तो ये सब हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेंगे, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर भी किसी भी बिजनेस को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कोई एक रेस्टोरेंट है और वो बोलता है कि भैया मैं तो जोमेटो वोमेटो पे नहीं बेचने वाला, तो क्या होगा, उसका पीछे रह जाएगा। समझ गया? तो टेक्नोलॉजी के साथ में अपने बिजनेस को जोड़ना बहुत जरूरी है। कौन सी टेक्नोलॉजी? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस, तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो भी अपने आप को इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ढालें, क्योंकि अभी समय ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी ये चल रही है। ओके, तो ऐसे क्या चीज है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आइए पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ फोर्सेस हैं। ओके, वो कौन सी फोर्सेस हैं? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट जो होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होते हैं, बहुत सारे। वो जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स होते हैं भैया, उसके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को। उन इंप्रूवमेंट को अपने बिजनेस के हिसाब से एक्सेप्ट करना जरूरी है। जो भी इनोवेशंस होते हैं, विच प्रोवाइड न्यू वे, जो भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होते हैं या कोई न्यू इनोवेशंस इनोवेशन होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, उससे होता क्या है, उससे हमें मिलते हैं न्यू वे, यानी कि नए तरीके। किस चीज के? प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। तो देखो भैया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से हमें क्या मिला? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से हमें मिलता है, जो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हाँ जी, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलते हैं न्यू वे, नए रास्ते, नए तरीके। सर, किस चीज के नए तरीके, नए रास्ते? न्यू वे जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोडक्शन के। किस चीज का प्रोडक्शन? कमोडिटीज का, यानी कि गुड्स का या सर्विसेज का। जैसे अभी नया एकदम तरीका मिला, टेक्नोलॉजी ने हमें नया तरीका दिया है सर्विस देने का, टीचिंग की सर्विस देने का। टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए तरीके दिए हैं गुड्स की सर्विस देने का, गुड्स को प्रोड्यूस करने का और पहुंचाने का, यानी कि ऑपरेशन का, है ना, बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके, प्रोडक्शन के नए तरीके, ये हमें कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें जब होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशंस, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू इनोवेशन होते हैं, तब किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन के नए तरीके आते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके आते हैं, है ना। तो उन नए तरीकों को फटाफट से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए तरीके हमारे लिए दो चीज़ें लेके आते हैं। एक लेके आते हैं किसी भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, और एक लेके आते हैं किसी भी बिजनेस के लिए चैलेंजेस। दो तरीके से देख सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको तो फटाफट ले लो, चैलेंज दिख रहे हैं तो तैयार हो जाओ और उसको एक्सेप्ट कर लो भैया और से लड़ो। बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना जरूरी है, अगर आप नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हमारे सामने जो निकल के आता है वो है नोकिया। नोकिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं काफी लेक्चर्स के अंदर बोलता हूँ, एप्पल से भी 10 गुना बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी एक टाइम। मार्केट में एक ही चलता था भैया, नोकिया। हमें तो हमारे स्कूल के दिन याद है, एक ही फोन आता था नोकिया। नया फोन लेना भी होता था तो दुकान वाले दो तीन दूसरे फोन दिखाता था, सैमसंग,
और एक और आता था सोनी, ठीक है, बट नहीं चाहिए भी, देखना ही नहीं, नोकिया दे दे, ठीक है, इतना क्रेज था और इंडियन मार्केट में तो मतलब धमाके था। पर फिर क्या हुआ, कीपैड फोन भी आए, टच फोन भी आए, फिर हुई एक टेक्नोलॉजी चेंज, फिर हुआ कुछ नया, न्यू इनोवेशन, और उस न्यू इनोवेशन लेके आया एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन लेके आया। उस एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर आया, एंड्रॉइड जो स्मार्टफोन के लिए, नोकिया ने उस एंड्रॉइड को नहीं अपनाया, उसने बोला भाई मैं तो आईओएस पे जाऊंगा, विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पे जाऊंगा, विंडोज पे जाऊंगा। विंडोज फोन में काम कर ही नहीं पाया, और कर भी पाया तो इतना अच्छा नहीं था, और एंड्रॉइड आगे निकल गया। बाकी सारी कंपनियां जैसे सैमसंग, सोनी, और भी कई सारी नई नई कंपनियां आ रही है, आई भी, उन्होंने क्या कर दिया, फटाक से एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लिया, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, नए तरीके प्रोडक्शन के खोज लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने का नया तरीका खोज लिया और उसमें समा गए। और आज के टाइम में देख सकते हो बाकी सारी कंपनियां टॉप पे हैं, और नोकिया जो कि टॉप पे थी, एप्पल से भी बड़ी कंपनी थी, उसका तो नामो निशान खत्म हो गया। इसीलिए किसी भी बिजनेस को टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो न्यू मेथड्स, न्यू इनोवेशन हो रहे हैं, उनको अपने बिजनेस के अंदर अपनाना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्हें अपने प्रोडक्शन के अंदर और बिजनेस ऑपरेशन के अंदर लगाना चाहिए, तो आप लॉन्ग टाइम तक चलते रहोगे, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ओके, चलिए एमसीक्यूज देखते हैं, इसका एमसीक्यूज कैसा बन सकता है। एक एमसीक्यूज यहां पर एग्जांपल के लिए है भैया, आपको ऐसा एमसीक्यूज आ सकता है सर, कैसा, न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नया तरीका गुड्स को प्रोड्यूस करने का और सर्विस को प्रोड्यूस करने का, एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, और नया तरीका जिसे हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ये किसे इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट को, सोशल एनवायरमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को, या पॉलिटिकल एनवायरमेंट को। तो आंसर सीधा सा इसका है, ये करता है सी पॉइंट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को, करेक्ट आंसर सी। ओके, तो ऐसे आपको और एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, वहां पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज जो कि है बिल्कुल फ्री। आप जाकर वहां पर ऐसे कई सारे एमसीक्यूज का, BST, इको और अकाउंट्स, इन तीनों के आप वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, और जो आपको चैप्टर आता है चैप्टर वाइज कर सकते हैं, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, और आपको हाथों हाथ जैसे ही आप टेस्ट कंडक्ट करोगे, ऑनलाइन होगा, जैसे ही आप टेस्ट कंडक्ट करोगे टाइम भी फिक्स होगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, चैप्टर के हिसाब से। और जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे, सबमिट करोगे, रिजल्ट आपके सामने होगा, और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया होगा, आपकी रैंक भी आ जाएगी, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, आपके परसेंटेज भी आ जाएंगे, परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, और उस हिसाब से फिर आप अपने आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाके प्ले स्टोर के अंदर लिख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वहां पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे और समझेंगे हमारा लास्ट एनवायरमेंट, तीन एनवायरमेंट बता दिए, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल एनवायरमेंट हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।